माई सेल्फ सुधा पंडित, मैं SBN गवर्नमेंट PG कॉलेज बड़वानी से, बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ, और मेरा आज का टॉपिक है जनरल अकाउंट ऑफ जायगो माइकोटीना। तो हम इसकी कुछ स्लाइड्स के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। जायगो माइकोटीना जो क्लास है, और इसके अंतर्गत कितने जेनेरा स्पीशीज वगैरह जो आती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये मेरा आज का टॉपिक है। तो जायगो माइकोटीना, जैसे कि हम जानते हैं, फंजाई से रिलेटेड इंट्रोडक्शन अगर हम देखें जाइगो माइकोटीना का, तो ये जाइगो फंजाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जाइगो फॉर्मेशन या जाइगो स्पोर्स बनता है, जिसके कारण इसका नाम जाइगो माइकोटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें इसे कॉन्जुगेटिव फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कॉन्जुगेटिव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की होती है, और जाइगो माइकोटीना को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज। इसमें से हम बात करेंगे जाइगोमाइसिटीज के बारे में। जाइगोमाइसिटीज जो होता है, उसमें बोथ आर रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। जाइगोमाइकोटा अगर हम देखें, तो इसमें जाइगो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये प्लांट किंगडम का, अगर हम फंजाई के अंतर्गत देखें, तो सेकेंड सबसे बड़ा किंगडम है जाइगोमाइकोटा। और इसके नाम से ही जैसे हमें ज्ञात है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक स्पोर्स बनता है, जिसे जाइगो स्पोर्स कहते हैं, और ये एक सेक में बंद रहता है रेस्टिंग पीरियड में, जब तक कि इसे सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं हो जाए। इसकी 1060 स्पीशीज अभी तक ज्ञात की जा चुकी है, और ये, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के होते हैं, और सॉइल में और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका जो डीसाइक्लिंग का प्रोसेस है, वो मृत कार्बनिक पदार्थ, एनिमल्स और जो डंग वगैरह है, इसके ऊपर ये पाए जाते हैं। इसकी कुछ जातियां पैरासाइट्स होती है, जो कि इंसेक्ट, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर सिम्बायोटिक कंडीशंस में पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। जाइगोमाइकोटा की कुछ स्पीशीज के द्वारा रोग भी फैलाए जाते हैं, जो कि एनिमल्स में, अमीबा में, प्लांट्स में और अदर जो फंजाई है, इसमें जाइगोमाइकोटा के द्वारा रोग भी फैलाए जाते हैं। अगर हम जाइगोमाइकोटा की बात करें, तो ये जो प्लांट किंगडम की, ऐसे तो जाइगोमाइसिटीज के सदस्यों के द्वारा मोस्टली खाने योग्य भोज्य पदार्थ, जैसे कि अचार, मुरब्बा, ब्रेड और फ्रूट इत्यादि पे रोग फैलाए जाते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। फर्स्ट जो ऊपर की जो स्लाइड्स हैं, जिसमें आप देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक व्हाइट कलर का मोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जाइगोमाइसिटीज के ही सदस्य हैं। और इसकी लार्ज स्ट्रक्चर अगर आप देखें, कि ये किस तरीके से एक सिंगल हाइफी या तंतुवत जो कवक है, वो कैसे दिखाई देती है, तो आप लेफ्ट साइड की स्लाइड में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक सिंगल हाइफी के द्वारा स्पोरेंजिया ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स जुड़े हुए रहते हैं। नीचे की अगर हम स्लाइड की बात करें, तो इसमें ब्रेड के ऊपर आपको ब्लैक रस्ट जैसा भाग दिखाई दे रहा है, जो कि जाइगोमाइसिटीज के सदस्य हैं राइजोफस राइजोफस स्टेलोनोफर के द्वारा ये रोग पूरा ब्रेड को कवर किया हुआ है, जो कि अगर हम इसका सिंगल या लार्ज स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप की इमेज से देखें, तो आपको एक डॉट, एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा होगा, जो एक तंतु से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसे हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम के द्वारा स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोफोर से स्पोरेंजिया जुड़ा हुआ रहता है, और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोरेंजियोफोर से बाहर आ जाते हैं, और फिर फेवरेबल कंडीशन होने पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से नए हाइफी या तंतु का निर्माण करते हैं। ये फ्रूट्स में और ब्रेड के ऊपर कैसे अपना कवक जाल फैला रहे हैं, ये इस स्लाइड में प्रदर्शित किया गया है। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं।
इसमें आपको दिखाया गया है कि जाइगोमाइकोटा के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जाइगोमाइसिटीज का सदस्य है। तो जाइगोमाइसिटीज को ट्रू फंगी भी कहा जाता है, सत्य कवक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। इसका अगर हम सोमेटिक फेज माइसीलिया देखें तो ये सिनोसिटिक होता है, इसमें कोई भी पट्ट नहीं पाया जाता, और जब भी इनमें पट्ट का फॉर्मेशन या वॉल फॉर्मेशन होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही सेप्टा फॉर्मेशन होता है। जब स्पोरेंजिया को स्पोरेंजियोफोर से अलग होना होता है तभी इसमें सेप्टा फॉर्मेशन होता है। इसके थर्ड पॉइंट में ये आपको शो किया गया है कि इसमें गेमेटेंजियल पॉपुलेशन की प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पाई जाती है। गेमेटेंजियल फ्यूजन में दो गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है और एक जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, और जिसके कारण इस फंजाई को हम जाइगोमाइकोटा के नाम से जानते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान स्पोरेंजियोफोर का निर्माण होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया भरे हुए होते हैं, और इसमें इसके कुछ सदस्यों में क्लेमाइडोस्पोर्स का भी निर्माण होता है जो कि स्पोरेंजियोस्पोर्स से भिन्न होते हैं। इसमें दोनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगर हम जाइगोमाइकोटा फाइलम की बात करें तो इसे दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है जाइगोमाइसिटीज और दूसरा होता है ट्राइकोमाइसिटीज। इसमें से हम जाइगोमाइसिटीज की अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके और इसकी क्लास के बहुत सारे जो सदस्य रहते हैं वो फर्मेंटेटेड फूड बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। जबकि अगर हम ट्राइकोमाइसिटीज की बात करें तो ये इकोनॉमिकल दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। जाइगोमाइसिटीज की अभी तक 1,060 स्पीशीज खोजी जा चुकी है, जिसमें मोस्टली ब्रेड पे और ब्रेड पे ब्लैक मोल्ड्स के नाम से, और कुछ इसकी स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर्स में भी पाई जाती है। ये जल्दी से ग्रो करने वाली हाइफी होती है और सारे ग्रुप्स के रूप में पाई जाती है, लेकिन कुछ इसकी स्पीशीज जो होती है वो यूनिसेल्यूलर भी होती है। जाइगोमाइसिटीज के मैक्सिमम सदस्य सिनोसिटिक होते हैं, और सेप्टा फॉर्मेशन इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के दौरान ही पाया जाता है। बाकी ये पूरी सिनोसिटिक हाइफी का बना हुआ होता है जिसमें कोई भी पट्ट नहीं पाया जाता। जाइगोमाइसिटीज में दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर्स प्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, और इसी स्पोरेंजिया में दो माइसीलियम आपस में गेमेटेंजियल फ्यूजन के दौरान परस्पर पास आकर एक 2n स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स जो संरचना रहती है वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, मोटी भित्ती वाली संरचना होती है जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। जबकि अगर हम देखें स्पोरेंजिया को, तो जब ये अपने पेरेंट से अलग होकर एसेक्सुअल के दौरान बनता है तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे ही गेमेटेंजियल फ्यूजन के दौरान दो न्यूक्लियाई आपस में कॉम्बिनेशन करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो वो 2n या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ये जो जाइगोस्पोर का इसमें जो निर्माण होता है वो एक सेक या थैली में बंद रहता है जिसे जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक रेस्टिंग पीरियड में होता है। जाइगोमाइसिटीज में जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है वो बहुत सारी संख्या में स्पोरेंजियोफोर में बंद रहते हैं, और
एक छोटे से स्पोरेंजियोफोर में बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जाइगोमाइसिटीज के सदस्यों में प्रेजेंट होता है, तो जो इसमें सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें से हम पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन, अगर हम इसे देखा जाए तो यह एक हायर फंगी के रूप में या उच्च कवक के रूप में जाना जाता है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो पेरेंटल हाइफी है उसके द्वारा स्पोरेंजियो स्पोर्स का निर्माण किया जाता है, जो कि एक थैली में बंद रहते हैं, जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है, और इसी स्पोरेंजियम के अंतर्गत बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए रहते हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन में अपने सेक्स से या थैली से बाहर आकर बहुत सारा भोज्य पदार्थ या फेवरेबल कंडीशन की फेवरेबल कंडीशंस की अवस्था में ग्रो करके नए हाइफी या तंतु को जन्म देते हैं। इसमें कोनिडिया फॉर्मेशन भी होता है। इसके जाइगोमाइसिटीज के कुछ ऑर्डर्स में, जैसे एंटोमो थोरेल्स जो ऑर्डर है, उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया के द्वारा नए तंतु का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो सेकेंड क्लास है, जो ट्राइकोमाइसिटीज है, इसमें आर्थोस्पोर्स का भी निर्माण किया जाता है। स्पोरेंजियम को अगर हम देखें तो ये चार टाइप का होता है या फोर टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहले है स्पोरोगोनियल्स, जो कि स्पोरेंजियम से बहुत छोटा होता है आकार में। इसमें कॉल्यूबेला नहीं पाया जाता और इसके अंतर्गत 1 से लेकर 50 तक स्पोर्स इसके अंदर भरे हुए हैं। अब हम सेकेंड की बात करें, मोनोस्पोर्स, तो मोनोस्पोर्स स्पोर्स की तुलना में एक बड़ी राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, जो कि स्पोरेंजियम में केवल एक ही स्पोर्स होता है। मीरोस्पोरेंजियम, अगर हम इसकी बात करें, तो ये एक थैली में 10 से 15 की संख्या में होते हैं और ये लीनियर स्ट्रक्चर में या एक सीधी लाइन में व्यवस्थित या सिक्वेंस में लगे हुए होते हैं। ये इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस है। इसमें किसी भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल हाइफी के द्वारा ही फेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स का, कोनिडिया का और आर्थोस्पोर्स का फॉर्मेशन किया जाता है और आगे की ओर हाइफी का या तंतु का निर्माण किया जाता है। इसका सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया अभी पहले कि एसेक्सुअल में कोई भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर की आवश्यकता होती है। चूंकि हम कवक या फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें गैमेटेंजियल पॉपुलेशन की प्रोसेस पाई जाती है। गैमेटेंजियल पॉपुलेशन प्रोसेस में दो हाइफीज परस्पर पास में आते हैं और इसके बीच की जो भित्ति या वॉल होती है वो गल जाती है या रैप्चर हो जाती है। इसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूड है और जो इसके अंतर पाए जाने वाले स्पोर्स हैं, वो आपस में संयुग्मन करते हैं या कॉन्जुगेटिव ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसमें एक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जाइगोस्पोर्स कहते हैं। और मोस्टली ये हेटरोथेलिक घटना, जो कि म्यूकर में पाई जाती है, हम यहाँ पे म्यूकर का ही उदाहरण लेंगे, तो ये जो जाइगोस्पोर्स होता है, ये मोटी भित्ति वाली एक संरचना होती है, जो कि डिप्लॉइडिक होती है और ये हिट्रोथेलिज्म के दौरान बनती है। हिट्रोथेलिज्म के अतिरिक्त इसमें होमोथेलिज्म की घटना भी पाई जाती है। जैसे कि हिट्रोथेलिज्म में दो अलग अलग प्लांट से प्राप्त किए जाएंगे और जो होमोथेलिज्म है उसमें एक ही के ऊपर दोनों प्रभेद मौजूद होंगे।
तो इसे हम होमोथेलिक कहेंगे। और जब इसकी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको चित्र में बताया गया है, यहाँ पे एक से लगा के 8 तक की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया गया है, और इसकी जो 9th स्ट्रक्चर है इसमें पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट किया गया है। इसमें जायगो स्पोर्स को भी अलग से बताया गया है, और सिंगल संरचना जो एक स्पोर्स की होती है उसको भी बताया गया है। तो हम फर्स्ट से लगा के 8th तक की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि जब ये मैटिंग करते हैं तो दो स्ट्रेन जो है, ये हिट्रोथेलिक घटना की मैं बात कर रही हूँ जो कि म्यूकर में पाई जाती है। इसमें जब ये मैटिंग करते हैं तो इसमें म्यूकर के दो स्ट्रेन, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन आपस में पास में आते हैं। और इसके बाद सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे कि गेमेटेंजियल फ्यूजन होता है, जिसमें प्लस और माइनस स्ट्रेन में, प्लस और माइनस स्ट्रेन में यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई अपनी तरफ से परस्पर पास में आते हैं, और उनके बीच की जो वॉल है वो नष्ट हो जाती है या वॉल फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। तो इससे ये जो इसके दोनों प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई हैं वो प्लाज्मोगेमी के द्वारा आपस में फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन के बाद थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि आपको एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे यंग जाइगो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जो कि हिट्रोकैरियोटिक होगी। और फोर्थ स्टेज में आप देखेंगे कि जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि इसमें दोनों न्यूक्लियाई आपस में संयुग्मित होते हैं तो ये कंडीशन एन से 2n बन जाती है, मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कंडीशन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। फिर कैरियोगेमी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो अलग से सेपरेट हो जाता है। फिर इसमें मियोसिस की घटना होती है जिसमें 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो रहता है वो आगे चल के नए स्पोरेंजियम का निर्माण करता है। इस स्पोरेंजियम में नीचे की ओर एक तंतु होता है जिसे हाइफी कहा जाता है, और ऊपर की ओर जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। आगे चल के यही स्पोरेंजियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना में पार्ट लेता है, और इसके द्वारा नए हाइफी का जन्म होता है जो कि हेप्लॉइड होता है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिया गया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आगे की ओर प्लस और माइनस स्ट्रेन में बदल जाता है, जो कि मेटिंग वाली प्रोसेस में पूरा होता है। इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जाइगोस्पोर्स जब पूरा बन जाता है तो उसकी आकृति कैसे होती है, आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं। और इसमें एक पूर्ण जो म्यूकर कवक है वो कैसे दिखाई देता है, आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं। इसी के द्वारा इसकी पूरी सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। जाइगोमाइकोटा लाइफ साइकिल अगर हम यहाँ पे देखें स्लाइड में, तो आपके सामने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर जो पूरी प्रोसेस बताई जा रही है वो हेप्लॉइड है, और बॉक्स के बाहर की जो प्रोसेस है वो डिप्लॉइड है। यहाँ पे एन और 2n लिखा हुआ है। एन का मतलब होगा हेप्लॉइड कंडीशन और 2n का मतलब होगा डिप्लॉइड कंडीशन। तो बॉक्स के अंदर की अगर हम बात करें तो इसमें वेजिटेटिव माइसिलियम के द्वारा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, और उसी स्पोरेंजियम के द्वारा स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि आगे की ओर जर्मिनेट करके एक नए वेजिटेटिव माइसीलियम को जन्म देते हैं जो उसी की तरह हेप्लॉइड होता है। ये पूरी घटना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पाई जाती है, तो हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम इसे दूसरी तरीके से देखें तो वेजिटेटिव माइसीलियम में स्पोरेंजियम के निर्माण के दौरान अगर एक स्पोरेंजियम में एक वेजिटेटिव माइसीलियम
प्लस और एक वेजिटेटिव माइसीलियम माइनस आपस में पास में आते हैं और गैमेटेंजियल पॉपुलेशन की अगर घटना होती है मेटिंग के दौरान, तो यहाँ पे दो प्रभेद या दो स्ट्रेन माइसीलियम आपस में परस्पर पास में आके उनके न्यूक्लियाई संयुग्मित होते हैं और उनके द्वारा एक 2N या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोस्पोर्स कहते हैं। और इसके द्वारा बनने वाले जो प्रभेद होते हैं, मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें चार हेप्लॉयड न्यूक्लियाई का निर्माण होगा जिसमें से तीन डीजनरेट हो जाएंगे और एक आगे की ओर बढ़कर प्लस या माइनस स्ट्रेन का निर्माण करेगा। ये वापस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करेंगे। तो इसी प्रकार जाइगोमाइकोटा के सदस्यों को अगर हम देखें तो इनमें हिट्रोथेलिज्म की घटना के द्वारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों लाइफ साइकिल इसमें चलती रहती है अनवरत। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कंडीशन दोनों यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और अगर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड की बात करें या इसके लाइफ साइकिल की, तो इसका जो माइसीलियम होता है वेजिटेटिव माइसीलियम, वो हैप्लॉयड होता है और वो हैप्लॉयड कंडीशन में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण करता है जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया लगे हुए रहते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियोफोर की दीवार को या भित्ति को या वॉल को रैप्चर करके बाहर आकर फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेशन करते हैं। और अगर हम इसके हिट्रोथेलिक कंडीशंस जो कि इसके म्यूकर में पाई जाती है इसकी अगर हम बात करें, तो इसके इसके स्ट्रेन में प्लस और माइनस दोनों प्रकार के हाइफी पाए जाते हैं जो कि प्रोगेमेटेंजिया प्रोसेस के थ्रू परस्पर पास में आते हैं। उसके बाद इसमें सेप्टा फॉर्मेशन होता है और एक सस्पेंसर या नलिका या ट्यूब का निर्माण होता है जिसमें दोनों न्यूक्लियाई या दोनों केंद्रक आ जाते हैं, प्लस स्ट्रेन का भी और माइनस स्ट्रेन का भी। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपके सामने प्रदर्शित है प्रोगेमेटेंजिया से लगाकर जर्म स्पोरेंजियम तक की पूरी घटना। इसमें अगर हम बात करें तो एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन म्यूकर में ये स्ट्रेन प्रभेद पाए जाते हैं। तो इनमें प्लस और माइनस स्ट्रेन जब परस्पर पास में आते हैं तो ये प्रोगेमेटेंजिया प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद गेमेटेंजियल फ्यूजन होता है जिसमें कि बीज की भित्ति रैप्चर हो जाती है या गल जाती है, फिर प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस होती है। फिर प्लाज्मोगेमी प्रोसेस में दो न्यूक्लियाई आपस में संयुग्मित होते हैं और प्रोजाइगोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। प्रोजाइगोस्पोरेंजियम के निर्माण में आपको एक सस्पेंसर या नलिका जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जिसमें दोनों न्यूक्लियाई आपस में या दोनों न्यूक्लियाई के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होते हैं और दोनों न्यूक्लियाई आपस में संयुग्मित होते हैं। इसके बाद वाली प्रोसेस में जाइगोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है और उसके बाद एक पूरा स्वतंत्र रूप से जाइगोस्पोर्स बनता है। और कैरियोगेमी प्रोसेस में ये जाइगोस्पोर्स डिप्लॉयड कंडीशंस में होता है और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जर्मिनेट होकर एक नए माइसीलियम या तंतुवत शैवाल को जन्म देता है जिसमें नीचे की ओर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं और ऊपर की ओर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोरेंजिया भी भोज्य पदार्थों को प्राप्त करके जर्मिनेट होकर आगे की ओर प्लस या माइनस प्रकार के प्रभेद या स्ट्रेन या माइसीलियम को जन्म देते हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नए माइसीलियम बनते हैं। और इसी तरीके से म्यूकर में ये दोनों घटनाएं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक लाइफ साइकिल में चलती रहती है। आगे की स्लाइड हम देखेंगे। क्लास जाइगोमाइसिटिस
की अगर हम बात करें तो इसको सात ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से मैंने तीन ऑर्डर्स को यहाँ पे शो किया है। फर्स्ट इसका ऑर्डर जो म्यूकोरेल्स है, जिसमें अभी म्यूकर के बारे में हमने बहुत सारी स्लाइड्स में अध्ययन किया है, तो ये सेप्रोफिटिक नेचर के या मृतोपजीवी पदार्थ मृतोपजीवी नेचर के होते हैं, और इसमें अनेक से लगाकर एक स्पोरेंजिया भी पाए जाते हैं। मतलब इसके किन्हीं जातियों में बहुत अधिक स्पोरेंजिया भी पाए जाएंगे, ग्रुप्स के रूप में भी पाए जाएंगे, और कोई जो इसकी स्पीशीज या जाति है उसमें एक स्पोरेंजिया भी पाया जाता है। इसके दूसरे ऑर्डर जो कि है एंटोमोथोरेल्स की अगर हम बात करें तो ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, और ये ऑर्थोपोड्स के ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें लिमिटेड माइसीलियम पाया जाता है, और स्पोरेंजियोपोर में सिर्फ एक इसकी इसका जो स्पोर्स है वो एक ही स्पोरेंजियम के अंदर बंद रहता है, या एक ही स्पोरेंजियोपोर इसके ऊपर पाया जाता है। इसके तीसरे ऑर्डर की अगर हम बात करें ग्लोमेल्स की, तो ये माइकोराइजा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स नेचर का होता है। जैसे कि हम माइकोराइजा को देखते हैं कि जो उच्च वर्ग के जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों में ये एल्गल और फंगल दोनों के कॉम्बिनेशन से माइकोराइजा की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार के ये ग्लोमेल्स के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं म्यूकोरेल्स। यहाँ पे म्यूकोरेल्स को मैंने अलग से शो किया है, तो इसमें ये टिपिकली एसेप्टेड हाइफी होती है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस जाइगोमाइसिटीज के अधिकांश सदस्य सिनोसिटिक नेचर के होते हैं, इसमें कोई भी पट्ट नहीं पाया जाता या एसेप्टेड होते हैं। इसमें नीचे की ओर या इसकी कुछ स्पीशीज में राइजोइड्स भी पाए जाते हैं। राइजोइड्स जो संरचना होती है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आधार या सबस्ट्रेटम से नीचे की ओर चिपका रहता है, और जिससे तंतु को और स्पोरेंजियोफोर को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है या यांत्रिक सहारा मिलता है। तो यहाँ पे चित्र में आपको ऊपर की ओर एक ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कि नीचे सिंगल हाइफी के द्वारा जुड़ा हुआ है, और वो हाइफी राइजोइड्स से जुड़ा हुआ है, और राइजोइड्स अपने अधोस्तर या आधार से चिपका हुआ है। ये आपको चित्र में पूरी तरीके से बताया गया है। अगली स्लाइड हम देखते हैं कि इस जो क्लास है, जो जाइगोमाइसिटीज है, इसके अधिकांश सदस्य को खरपतवार के रूप में भी फंगल वर्ल्ड में जाना जाता है। अब इसके कॉमन जो जेनेरा हैं, जिनमें म्यूकर, एप्सिडिया, राइजोपस, पाइलोबोलस पाए जाते हैं, जिनको हम आगे की स्लाइड्स में इनके स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। और ये जो क्लास के सदस्य हैं, ये इजीली और क्विकली ग्रो कर लेते हैं, और इनके अगर हम आंतरिक संरचना या कंटेंट की बात करें तो इनमें स्टार्च, सुगर्स और हेमीसेल्यूलोस पाया जाता है। और इसके कुछ जो सदस्य रहते हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं, जो कि मनुष्यों में, जंतुओं में, प्लांट में और इंसेक्ट में डिसीज फैलाने का कार्य करते हैं। और यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो इनमें अगर जैसे किसी व्यक्ति को पहले से ही डायबिटीज या एड्स का रोग है, तो जाइगोमाइसिटीज के सदस्यों के द्वारा और ज्यादा संक्रमण उसके शरीर में फैलाया जा सकता है, या जाइगोमाइसिटीज के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है वो व्यक्ति। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। जाइगोमाइसिटीज के कुछ सदस्य, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था राइजोफस, तो राइजोफस स्टोलोनिफर यहाँ पे आपके सामने शो है, जिसे ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है, जो ब्रेड के ऊपर, जो हमारे खाने योग्य भाग जो ब्रेड का होता है उसके ऊपर ये आक्रमण करके वहां पे आपको ब्लैक रस्ट जैसा भाग दिखाई देगा, जो कि राइजोफस के कारण होता है। राइजोफस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये सिंगल फिलामेंट से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जुड़ी रहती है, जो काले रंग की संरचना या भूरे रंग की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम वो थैली या सैक है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं।
और फेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम की वॉल को रैप्चर करके ये बाहर आकर भूमि पर गिर जाते हैं, और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये अपने आप को ग्रो करके और एक नए राइजोपस तंतु का निर्माण कर लेते हैं। नीचे की ओर आपको जो राइजोट्स दिख रहे हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो आधार से या सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं। ये सिनोसिटिक प्रकार का होता है जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें हम नेक्स्ट मेंबर देखते हैं, पाइलोबोलस। पाइलोबोलस आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम पिन मोल्ड भी कहते हैं। पिन मोल्ड इसलिए कहते हैं कि इसकी संरचना अगर हम देखें तो ऑल्पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे उसके डॉट होते हैं, ऑल्पिन का एक डॉट होता है और उसी तरीके की पाइलोबोलस की संरचना होती है। नीचे सिंगल एक हाइफी होता है और ऊपर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्लैक कलर की दिखाई देती है। इसमें सारे स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। तो ये पाइलोबोलस की स्ट्रक्चर है जो कि जाइगोमाइसिटिस का ही सदस्य है। नेक्स्ट इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो एंथोमोथोरेल्स ऑर्डर है। इसमें कोनिडिया बनते हैं, ये ग्रुप्स के रूप में होते हैं और कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं, और यही कोनिडिया अपने पेरेंटल हाइफी से फेवरेबल कंडीशन में पृथक हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नए हाइफी या तंतु को जन्म दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं इसकी, ग्लोमेल्स। ग्लोमेल्स ऑर्डर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये ऑब्लिकेट बायोट्रॉफ्स नेचर के होते हैं, जैसे कि माइकोराइजा, जैसे हम उच्च प्लांट्स में देखते हैं या उच्च पौधों में या जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा में एल्गी और फंजाई दोनों, मतलब कवक और शैवाल दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। इसे वॉर्म फंगी भी कहा जाता है, और ये सेपरेटेड फाइलम भी होता है जो कि माइकोराइजा के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं जो कि कंक्लूजन है। तो अभी हमने जितनी भी स्लाइड इसकी देखी, जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों में इनके जनरल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम कंक्लूजन में ये दिखाने जा रहे हैं कि जाइगोमाइकोटा जो है वो दूसरा प्लांट जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसे सत्य कवक या ट्रू फंगी भी कहा जाता है। इसके बाद ये इसमें दोनों प्रकार के नेचर के जेनेरा पाए जाते हैं, जैसे पैरासिटिक भी और सेप्रोफिटिक भी, मृतोपजीवी भी और परजीवी भी, दोनों जातियां इसमें प्रेजेंट रहती है। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के होते हैं, सभी स्थलीय होते हैं। इसकी जो हाइफी रहती है वो सिनोसिटिक होती है जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और इसमें दो क्लासेस पाई जाती है, जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने जो टॉपिक है उसको खत्म करना चाहूंगी, और यहाँ पे ये जाइगोमाइकोटिना जो जनरल डिस्कशन था वो समाप्त होता है। इसमें आगे की रेफरेंस की स्लाइड में मैंने दिखाया गया है, अगर आप इसके बारे में ज्यादा और अध्ययन करना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको शेयर कर रही हूँ, उस पे इसका रेफरेंस डाला गया है। तो ये वाली जो रेफरेंसेस की स्लाइड है इस पर जाके आप और अधिक जानकारी जाइगोमाइकोटिना के बारे में ले सकते हैं या जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों के बारे में और अधिक विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। मैंने अपने लेक्चर में पूरी कोशिश करी है कि इसके बारे में मैं जितना बता सकूं मैंने पूरा यहाँ पे बताया है। थैंक यू वेरी मच।